हेलो एवरीवन दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज जो मैंने टॉपिक चुनना था, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हमें माइग्रेशन की प्रोसेस चल रही है ऑन पैसे में, तो हम सभी जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि करीबन एक हफ्ता हो गया है और अभी तक जो भी हमारी वेबसाइट है वो माइग्रेशन पे है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इसके पहले सिर्फ जिस तरह से ओ फाउंडर जो हमारा था, जैसे हमारी जो वेबसाइट थी जब हमारी गो फाउंडर की, वो ओ फाउंडर से जब गई थी तो उसमें थोड़ा 2-3 दिन लगा था आई थिंक, लेकिन उसके बाद में ऐसा वक्त नहीं आया इतना लंबे टाइम के लिए जो माइग्रेशन हुआ। तो इस दौरान जो है रियल में जो टेस्ट है ना, हम लोगों का जो एग्जाम है वो अब पता चलता है। और अभी मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि अभी आप देख रहे होंगे जिस तरह से हमारे बहुत से लोग शुरुआत में जब माइग्रेशन में जब थी, 2-3 दिन था, तो लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास पेशेंस था, लेकिन कुछ लोग वापस अपना पेशेंस जो है वो खोने लग गए। और मैंने देखा है कई जगह सोशल मीडिया पे, मीटिंग्स में और जो है यूट्यूब के कमेंट्स में कि फिर से लोग शुरू हो गए हैं सारे फाउंडिंग मेंबर। लेकिन देखिए, फ्रस्ट्रेशन अगर आपका है, लेकिन उसके बाद में आप अगर कोई नेगेटिव बोल रहे हैं, तो दोस्तों आप तो यहां पर पूरी तरह से ऑलरेडी फेल्ड हो गए दोस्तों। ये बिल्कुल मतलब गलत बात है जिस तरह से लोग यहां पे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव का रेशियो फिर से जब बढ़ने लगता है, मतलब कहने का है आपके पेशेंस जो है वो खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं। वो आपका जो पेशेंस खत्म हो रहा है वो रिजल्ट हमें दिख रहा है, लोग जो यहाँ पे जो कमेंट्स करते हैं, जो बोलते हैं। तो ये देखिए, आपको मैं बता दूं, सारे लीडर्स के पास यही हाल है। सारे लीडर्स के पास में फोन कॉल आ रहा है, किसी के पास ही आ रहा है, उसने ये बोला, भाई देखिए ऐसा है कि जो होना है माइग्रेशन की प्रोसेस वो तो किसी के ऊपर नहीं है। ये जो है ऐश मुफारी साहब भी जो है आएंगे, तो जब वो बताएंगे, उन्होंने भी, लोगों ने बोला कि यार बताया नहीं उन्होंने कुछ, लेकिन देखिए वो भी कैसे बताएंगे, जब माइग्रेशन की प्रोसेस होगी तो खुद ब खुद चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। और वही वाली कहानी देखिए लागू होती है कि एक स्कूल में अगर 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ जो फेल हो गए और कुछ पास हो गए, तो जो पास हो गए वो बोलते हैं कि यार नहीं, हमने तो भाई देखो पढ़ाई की थी, वो पास हो गए। लेकिन जो फेल हो गए उन्होंने क्या कहा, स्कूल बेकार था, टीचर अच्छे नहीं थे, वहां पे अच्छा ऐसा बकवास था, पढ़ाया गया दोनों को सेम था, लेकिन फर्क इतना ये हो गया कि भैया कुछ लोगों ने उसे जो है सोचा कि अरे यार यहाँ पर तो ये होता होता, लेकिन उसी से जो अच्छे लोग भी निकले वहां से, एग्जाम पास करके निकले, उन्होंने कभी उसको बुरा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत की, उन्होंने अपना जो यहाँ पे 100% दिया। तो वही बात आती है दोस्तों कि आप जब सारी चीजें जब हमारे साथ उतार चढ़ाव, ऐसे नहीं है कि ऑन पैसिव में पहले नहीं आए, बहुत सारे आए हैं। और ऐसा अक्सर हुआ है कि जब कुछ चीजें हो जाती हैं, जैसे ऐश मुबारक सर कई बार मीटिंग्स में नहीं आते, कभी बहुत डिले होते हैं, तो उसमें भी कई लोग जो है ऐसा भी है, महीने महीने भर तक ऐश मुबारक साहब नहीं है तो फिर भी लोग चालू हो जाते हैं इस टाइप के। तो यहां पर आपको याद हो ऐश मुबारक साहब ने एक बात और कही थी बहुत पहले वेबिनार्स में कि यहां पर हर कोई आगे नहीं बढ़ने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिए यहां पर आप अर्ली बर्ड से और ये सब तो आप शामिल हैं, लेकिन आप जो फ्रस्ट्रेट होते हैं बार बार और बार बार, एक जो क्वेश्चन लोग करते हैं, फाउंडिंग मेंबर ही तो करते होंगे, कोई और तो करता नहीं होगा। तो आपका पेशेंस अगर खो रहा है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहां पर सारी चीजें जो होंगी वो अपने हिसाब से ही होने वाली हैं। तो इसके बारे में माइग्रेशन की प्रोसेस हमारे लिए जो हो रही है दोस्तों, ये बहुत अच्छी है। और अगेन मैं बोलूंगा, बार बार मैंने कहा है कि डिले अगर हम होते हैं तो इसका मतलब यह है ज्यादा से ज्यादा यहां पर काम हो रहा है, मतलब कहने का यह है कि बैकहेंड पे जबरदस्त इस पे काम हो रहा होगा, इसी वजह से जो है और ज्यादा हम डिले हो रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूं जो इस टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको यहां पर है ना बहुत जरूरत है अगेन पेशेंस की। हम पेशेंस की बात तो करते हैं, लेकिन कई उसमें से ऐसे लोग आ ही जाते हैं और धीरे धीरे करके जो है ना रियलिटी उनकी पता चलती है। तो ऐसे लोगों की रियलिटी पता चलती है जो आकर के कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं, तो वाकई में पता चलता है कि ये कितने अच्छे फाउंडिंग मेंबर हैं। और उनसे ही ये साबित होता है दोस्तों कि वो अपना पेशेंस कहीं ना कहीं खो देते हैं, और यही एक रीजन है कि फिर वो नेगेटिव कमेंट्स और बोलना शुरू कर देते हैं। फिर हम बोलते हैं अरे हम नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं भाई, ये तो हम एक जस्ट क्वेश्चन है। कोई बोल देता है अरे अब तो 2029 में ही ऑन पैसिव आएगा, 2028 में ही आएगा, कुछ नहीं ऐसा होगा, स्कैम फलाना ढिमका, फिर से शुरू हो जाते हैं। तो उसमें जो ऑन पैसिव में नहीं है जो लोग, उनके लिए बड़ा अच्छा एक मौका मिल जाता। तो आपसे सारे फाउंडिंग मेंबर से रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट नहीं है मैं बोलूंगा कि भैया आपको थोड़ा सा अपने आप में सुधार की जरूरत है, हमारे लिए यहाँ पे अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा हो रहा है और हम सभी इस बात को जानते हैं। तो जो लोग क्वेश्चन करते हैं, जिन्हें थोड़ा सा डाउट भी लगता है कि भाई साहब देखिए हमने $97 यहाँ दिए हैं, हमने यहाँ पर अपना पैकेज बाय किया है, अगेन मैं बोलूंगा कि हमारा पेशेंस
बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। वाकई में बहुत ही अच्छी चीजें, सारी अच्छी चीजें होंगी और हम हमेशा टॉप की बात करते हैं और हमेशा जो है टॉप पर ही जाएंगे चाहे कोई कुछ भी कहे। तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए भाई की। देखिए यहाँ पर जो है कोई कुछ भी कहे, हमारा पॉजिटिव का रेशियो हमेशा ज्यादा था, है और रहेगा। तो बाय बाय एंड लव यू ऑल।